कि किसी होटल के ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं ऐसे रेडी चकाचक रेडी होके जा रहा हूँ। लास्ट केक फॉर दिस बर्थडे एंड मेनी मोर टू कम। ये अपन जा रहे हैं समंदर के बीच में से। देखो इट इज द DJI माइक 2, इट इज हियर, इट इज विद अस नाउ। दिस इज द मेन कवर, ये दो डेड कैट्स है एंड द मोमेंट यू ओपन इट बॉस द फिट एंड फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट इज प्रीटी अमेजिंग। आज है अपना चेकआउट का टाइम एंड इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि किसी होटल के ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं ऐसे रेडी चकाचक रेडी होके जा रहा हूँ। वरना यूजुअली तो हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं यार, ट्रैक पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन ली, बहुत बार तो कुछ कुछ होटल्स में ऐसे शॉर्ट्स में ही चले जाते क्योंकि हालत ही नहीं होती, हम लोग इतने थके हारे होते हैं ट्रैवलिंग से। बट यहाँ पे सेमी फॉर्मल्स, वैसे डिनर के लिए तो था कि सेमी फॉर्मल्स है कंपल्सरी, तो हमने सोचा कि आज शायद ब्रेकफास्ट के लिए भी ऐसा ना हो वहां पहुंच जाए उसके बाद हमको हकाल दे, तो इट्स बेटर कि हम लोग रेडी होके ही जाएं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स एंड टुडे वी हैव लिव्ड वन ऑफ आवर ड्रीम्स, दैट इज टू स्टे इन ताज महल होटल पैलेस। लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज यार, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। इसकी एक हेरिटेज भी है, एक हिस्ट्री भी है, बट मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, वो आप लोग गूगल करके आराम से पढ़ सकते हो। बट इट्स 120 ईयर ओल्ड नाउ यार, 120 साल बहुत होते हैं टू ह्यूमन लाइफ, प्रोबेबली 1.5 इफ यू लिव अ हेल्दी वन। दिस इज द व्यू एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो वाला टेबल नहीं मिला, बट यू शुड सी द ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मस्त इडली सांभर चटनी पाव, फिर कीमा मटर कीमा, फिर दिस इज एग शशोक एंड दैट्स पाव भाजी अभी तो, और ये ABC। फिलहाल तो मैंने इतनी चीज़ें ली है, इसके बाद जाके एक और राउंड भर के आएंगे, तो एक और राउंड भरेंगे तो आई थिंक उसके बाद और खाना होगा। भाई दिस ब्रेकफास्ट इज़ वर्थ वेकिंग अप, इट्स वेरी टेस्टी एंड बहुत अमेजिंग है ये, एंड प्लस द व्यू इज चेरी ऑन द केक। इडली सांभर पाव भाजी कीमा ये सब खाने के बाद अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बारी है, तो अंग्रेज वाले मैडम समझाएंगे कि ये क्या है। फ्रेंच टोस्ट विद व्हिप क्रीम एंड मेपल सिरप ऑन द साइड एंड दैट इज एवोकाडो टोस्ट विद सनी साइड अप। थैंक यू मैम। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता भाई, आपके भाई को भी ये सब समझ में आता है एड्रेस करें, बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन थिंग्स ऑन द मेन्यू प्लस अ बिट ऑफ लेबनान थिंग्स एंड And this gesture, let me tell you, मतलब the staff came with the cake and they are like, sir, happy birthday. That is so sweet. Last cake for this birthday and many more to come. Thank you. Thank you, Taj Mahal Palace, for the absolutely magnificent hospitality. And this is our table for now. उस वाले टेबल से हम लोग अभी इस वाले टेबल पे शिफ्ट हो गए हैं एंड इट्स डेजर्ट टाइम, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रैप अप। बट दिस व्यू, थोड़ी सी गर्मी लग रही है बट दिस व्यू इट्स इनक्रेडिबल। सो एक्चुअली 11 बजे का चेकआउट है बट फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 एंड हम लोग रेडी है, वी आर रेडी फॉर द डे। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू, मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू अ न्यू एडिशन टू आवर व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स। आई थिंक मुझे इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज करता हूँ टू यू नो व्लॉग, बट ठीक है वो अलग से करेंगे। सो आई बिलीव प्रोबेबली वी आर गोइंग टू एड वन मोर इक्विपमेंट टू आवर लिस्ट, देखते हैं अगर वर्कआउट होता है तो अपन ऐड करेंगे, मैं वीडियो में आगे जाके दिखाई दूंगा या बताई दूंगा। बट फिलहाल इस तरह से रेडी होके अपन निकल रहे हैं मुंबई में एंड ये अपने रूम की हालत काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ये अपने गिफ्ट्स, ये वंडरफुल केक बाय द ताज पैलेस एंड ये बलून्स बाय द ताज पैलेस। इट्स एन एक्सीलेंट जेस्चर यार, मतलब दिल जीत लिया, सच में दिल जीत लिया।
And it's all about the experience. It's not just about staying in a good hotel, good room, lavish room in a good property. सिर्फ यही नहीं है, यहाँ आके ऐसी जगहों पे आके एक्चुअल में पता चलता है कि इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस, यू नो, रादर देन जस्ट स्टेइंग इन अ लैविश प्लेस, राइट? एंड स्पीकिंग ऑफ लैविश प्लेस, हम जहाँ पे रुके वो तो सबसे बेसिक है इस जगह का, सेइंग गुड बाय फॉर नाउ बट विद अ प्रॉमिस टू कम बैक इन अ मोर लग्जरियस वे विथ प्रोबेबली अ मोर बेटर सेट ऑफ व्हील्स, लेट्स से, फिंगर्स क्रॉस्ड. यार वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम ताज एंड यहाँ पे कोई रैली चल रही है, उसके चक्कर में बहुत सिक्योरिटी है तो मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा. हमारे आगे इंडिया टीवी की गाड़ी जा रही है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यार अपनी गाड़ी इन लोगों ने साफ करके दी. सो इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं किसी होटल में रुका हूँ और अपनी गंदी गाड़ी उन लोगों ने प्रॉपरली धोके दी है. एंड वेन आई से धोके दिए, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि नॉर्मल पानी मार के दे दिया, यार ये प्रॉपरली क्लीन करके दिए. सो अमेजिंग, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो. यार व्हाट अ डे, व्हाट अ डे, दीज गाइज, मतलब ताजमहल पैलेस, आई प्रोमिस आई विल कम बैक. और ये सामने वाला रास्ता है मेन मुंबई जाता है एंड ये लेफ्ट लेके हम लोग चढ़ने वाले हैं अभी अतल सेतु के ऊपर. मार्वेलस, मस्त रास्ते है, बहुत प्यारे रास्ते है, बहुत मस्त कनेक्टिविटी है एंड इट्स जस्ट टू गुड. यहाँ से स्ट्रेट जाके हम लोग पूरा अतल सेतु क्रॉस करके, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर लंबा ब्रिज है तो 21 किलोमीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पनवेल की तरफ एग्जिट लेंगे, फिर यहाँ से सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. मजा गया यार, व्हाट अ फीलिंग यार. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन दुबई, वहां पे ऐसी फीलिंग आती थी लाइक वॉचिंग ऑल द स्काई स्क्रेपर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड एट द सेम टाइम ऐसा रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. बस यहाँ के लोगों की ड्राइविंग सेंस सुधर जाए, जिस दिन वो हो जाएगा ना, ये सारी मेहनत जो गवर्नमेंट कर रही है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगी. यार ये वाला नजारा देखो यार, मजेदार. एंड हम लोग एक्चुअली बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है. Let's look around us. And cherry on the cake, weather. मस्त बादल है अभी तो गर्मी वर्मी इतनी लग नहीं रही एंड स्पेक्टैक्युलर. ये अपन जा रहे हैं समंदर के बीच में से, देखो. और ये क्या प्यारा नजारा है ना यार. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वेदर, वेदर इज टू गुड, दैट्स ऑन आवर एडवांटेज. यार जब भी ऐसी चीजें है, अगर आप भाई रोड करते हो ना, उसका एक बेनिफिट क्या होता है पता है? आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पाओगे नहीं, बट समवन लाइक मी वुड डेफिनेटली रिलेट कि जब आप वहां पे पहुंचने वाले होते हो ना, इट्स नॉट कि आप ट्रेन से जा रहे हो या फिर आप फ्लाइट से जा रहे हो या कैब से जा रहे हो, बट अगर आप ड्राइव करके खुद से जाते हो ना, यू नो, आप वहां पे धीरे 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 पहुंचते हो और उस चीज का एक्सपीरियंस सोक इन करते हो. और जब आप वहां से वापसी निकलते हो ना, उस टाइम पे यू नो आप धीरे 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 उस जगह से डिटैच होते हो एंड देन यू नो आप उस आप वो एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग होते हो. सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि बाई रोड हमेशा अगर आप कहीं पे जाओ तो वो एक एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है. भाई लोग के चलान नहीं आते यार, क्या रॉकेट की तरह गई है गाड़ी, देखिए अपने सर करके पीछे से निकली. इट्स एन X5, इट्स अ BMW. एनीवे, सो यार इस चीज का मजा ही अलग होता है. एंड ये देखो ये ब्रिज अपने राइट में दिख रहा है, कैमरा में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल. एंड मैं चाहता हूं कि हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है, कोशिश करिएगा, यू नो यू नीड टू एक्सपीरियंस दिस वंस इन योर लाइफ टाइम, द ब्रिज, द रोड ट्रिप. Thank you.
दोपहर के 2:30 बजे है। हम लोग तकरीबन 11:45 बजे के आसपास निकले थे ताज से, एंड देखो 2:30 बजे तो हम लोग एग्जैक्टली पुणे एंटर भी कर गए। इनफैक्ट एंटर करके 7-8 किलोमीटर आगे आ गए। फिलहाल हम लोग पीसीएमसी में है, सो यहाँ से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगता है घर पहुंचने में। पुणे सिटी क्रॉस करना एज ऑलवेज हैज बीन अ पेन, बट हम सीधा घर नहीं जा रहे। मैंने वीडियो में एक चीज बोली थी, वी आर गोइंग टू मेक एन एडिशन। सो फिलहाल वी आर गोइंग टू दैट प्लेस, एंड वहां से हम लोग क्या खरीदने वाले हैं हमारे व्लॉगिंग के यू नो इक्विपमेंट्स में एक एडिशन करने वाले हैं वो देखेंगे। अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड देयर इट इज, आप लोग को दिख ही रहा होगा कि जो नई चीज हम लोग लेने वाले थे वो कौन सी थे। यस, इट इज द DJI माइक 2। इट इज हियर, इट इज विथ अस। सुपर डुपर एक्साइटेड यार। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, कंप्लेंट्स नहीं, लोगों ने फीडबैक दिए थे, नॉट कंप्लेंट्स, हाँ लोगों ने फीडबैक दिए थे कि ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा, जब बाहर हवा होती है तो कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक होती है उसमें कुछ आइडिया नहीं आता। सो बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिले थे। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अरे यार एक अच्छे माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना है एंड कुछ नया खरीदना है। सो फाइनली वी हैव दिस विद अस एज आर बर्थडे गिफ्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे गिफ्ट। एंड वी हैव द DJI माइक 2 विद अस। बताइएगा कमेंट करके कि इसका ऑडियो कैसा है। अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इसके साथ, क्या क्या आया है वो मैं थोड़ा घर जाके दिखाता हूँ। ये पूरा बॉक्स यूनिट है, एंड देन ये उसका कवर है, एक और बॉक्स है। एक काम करते हैं ना, घर जाके इज्जत से अनबॉक्सिंग शूट करते हैं, तभी मज़ा आएगा। सो अपना DJI माइक 2 लेके फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, एंड सुपर डुपर एक्साइटेड यार ये दिखाने के लिए। मैंने एक बार ऑलरेडी खोल के चेक कर लिया, बट इसका बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका बॉक्स, और उसके साथ ये दुनिया भर के मैनुअल्स अलॉन्ग विद अ कपल ऑफ स्टिकर्स। स्टिकर्स काम के हैं, मैनुअल कोई पड़ेगा नहीं, तो इसको बॉक्स के अंदर पैक करके वापस से साइड पर रख देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ द मेन कवर, इट्स प्रिटी अमेजिंग यार, बहुत ही ऑसम है। मतलब द क्वालिटी, फिट एंड फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट इज माइंड ब्लोइंग। एंड जैसे ही आप चेन ओपन करते हो वैसे यू रियलाइज दैट अ पर्सन हु हैज़ OCD लाइक मी, उसके लिए प्रॉपर कंपार्टमेंट्स है हर चीज़ों के लिए। सो ये मेन DJI का केस है, इसके अंदर ट्रांसमीटर्स प्लस रिसीवर सब कुछ इसके अंदर है। अलॉन्ग विद दैट ये दो डेड कैट्स है, सो दिस इज डेड कैट नंबर 1, डेड कैट नंबर 2, एंड ये इसके साथ दो सिस हेलिका जेल के पैकेट्स, तो इसको अंदर ही रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी गेट अ USB टू USB-C, एंड उसके साथ एक स्टीरियो टू स्टीरियो, जस्ट इन केस अगर आप इसको यूज़ करने वाले हो कैमरा के साथ। तो आई एम नॉट श्योर ये अपने को कहाँ काम आएगा, आई डोंट थिंक अनलेस वी यूज़ अ कैमरा ये हमें काम लगेगा, बट इसको जहाँ था उसको वहीं पर रख देंगे। बट दिस इज ऑल इन ऑल इसके केस के अंदर इतनी चीज़ें आती है। डेड कैट को भी साइड पे रखते हैं, मैंने अभी तक ये खोला नहीं है। एंड यार फिट एंड फिनिश, यहाँ पे नीचे रबर ग्रिप भी दी है, मतलब यू नो इफ यू कीप इट हियर तो उसमें नीचे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, इट्स प्रिटी अमेजिंग। यहाँ पे टिपिकल 4 चार्जिंग के जो स्लॉट्स है, मतलब जो अपना बैटरी का कितना परसेंटेज चार्जिंग है वो दिखाएगा। एंड द मोमेंट यू ओपन इट बॉस, द फिट एंड फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट इज प्रिटी अमेजिंग। सो एज आई सेड ये दो ट्रांसमीटर आते हैं इसके अंदर, सो ये यहाँ पे है, ये एक रिसीवर है UCDJI, एंड देन देव ऑलरेडी स्टार्टेड, लाइक वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप केस में से निकालते हो वैसे स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन दीज आर द टू कनेक्टर्स, दिस इज फॉर आईफोन, दिस इज टाइप सी फॉर एंड्रॉयड, एंड वेल दिस इज इट। वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट यार, व्हाट अ प्रोडक्ट, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू यूज दिस। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ सीखनी है, एंड देन अगेन यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मैग्नेट है, यू विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, हाँ जो इस ट्रांसमीटर को अपनी टी शर्ट्स वगैरह के साथ क्लिप करने में काम आएगा, लाइक एक बार उसको लगा दिया तो अपना काम हो जाएगा। इसको वापस से लगा दिया, यहाँ पे बैटरी दिखाएगा कितना बैटरी बैकअप है, क्या है क्या नहीं, एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग ऑन इट्स ओन, इसको चार्ज करने की जरूरत है। देयर इट इज आवर DJI माइक 2। सो नो मोर ऑडियो क्वालिटी प्रॉब्लम्स मूविंग फॉरवर्ड, एंड मैं आप लोग के फीडबैक सुनता हूँ, बट आप भी मेरा फीडबैक सुन लीजिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज बहुत कॉस्ट और बहुत मेहनत जाती है ये सारे वीडियोज बनाने के पीछे।
सो इन्श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. बट इसी के साथ आई होप आप लोग को पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हम लोग मुंबई द ताजमहल पैलेस में चेकआउट करके हम लोग वहाँ से पुणे आए. पुणे आने के बाद वी वेंट टू द स्टोर एंड देन वी बॉट माई बर्थडे गिफ्ट विच इज़ DJI माइक 2. सो आई होप आपको ये आप लोग को ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पूरा अच्छा लगा प्लीज़ यू लाइक द वीडियो, शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेक श्योर यू कमेंट योर थॉट्स बिलो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स.